हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता कुकिंग। आज मैं आपके लिए पाइनएप्पल सूफले बनाने जा रही हूँ। वैसे तो पाइनएप्पल सूफले में जेलेटिन पड़ता है, बट यहाँ पे मैं बिना जेलेटिन के ही बना रही हूँ, क्योंकि जेलेटिन नॉनवेज होता है, तो इसलिए मैं ये वेज सूफले बना रही हूँ। सूफले बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: 3 स्लाइस पाइनएप्पल टुकड़े में कटे हुए, 1 कप मिल्क, 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1/3 कप शुगर, 1/4 कप पाइनएप्पल सिरप या पाइनएप्पल जूस, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस, 3 to 4 drops ऑफ येलो कलर। सजाने के लिए हमें 4 से 5 चेरी और थोड़े से ब्लांच पिस्ता चाहिए। चलिए अब हम सूफले बना लेते हैं। सूफले बनाने के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए, 1 टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डालना है एंड कॉर्नफ्लोर डालना है। नॉर्मल दूध में ही डालेंगे आप, दूध को गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दूध गर्म रहा तो इसमें आपके लम्स आने के चांसेस रहेंगे। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। इसी में मैं 1/3 कप शुगर भी डाल रही हूँ। हमेशा जब आप कोई भी इंग्रेडिएंट मेजर करते हैं, हमेशा लेवल में मेजर करेंगे। ये लीजिए, मैंने शुगर डाल दिया है इसमें, और अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, लगातार इसको चलाते रहेंगे, अदरवाइज इसमें नीचे लगने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर एंड कस्टर्ड पाउडर है इसमें, जिससे कि ये गाढ़ा हो जाएगा और नीचे लग सकता है। ये देखिए, इसमें उबाला आ गया है। उबाल आने के बाद आप 1/2 से 1 मिनट इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। चलिए, ये मेरा कस्टर्ड तैयार हो गया है। इसे अब हम अच्छे से ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। कम से कम इसको 1/2 से 1 घंटा आप फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए, हमारा गाढ़ा सा कस्टर्ड तैयार हो गया है। ये कस्टर्ड एकदम गाढ़ा होना चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सूफले बना रहे हैं हम, उसमें जेलेटिन नहीं डाल रहे हैं। जेलेटिन डालने से हमारा सूफले सेट हो जाता है, बट इसको सेट करने के लिए हमें सारी चीज़ें एकदम गाढ़ी गाढ़ी या थिक होनी चाहिए। ये हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे मैंने 1/2 से 1 घंटे फ्रिज में रखा था। अब इसे हमने बीट करना है। कस्टर्ड बीट हो चुका है। ये कस्टर्ड बीट करने से इसमें सारे लम्स इसके चले गए हैं। अब इसमें मैं ये सिरप डाल रही हूँ, पाइनएप्पल सिरप है जो हमने टिन से लिया हुआ है। ये जो पाइनएप्पल का टिन मैंने खोला था, इसी में से इसी का सिरप मैंने लिया हुआ है। अगर ये सिरप आपके पास नहीं है तो आप पाइनएप्पल जूस भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें एसेंस डालना है, पाइनएप्पल एसेंस मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अब हमें व्हिपिंग क्रीम को बीट करना है। मैं सबसे पहले 3/4 कप क्रीम ले लेती हूँ। अब इसको बीट कर लेंगे। इसको हमें स्टिफ बीट करना है, बिल्कुल थिक हो जाएगा तब तक बीट करना है। आप क्रीम जब भी बीट करें, क्रीम हमेशा ठंडी होनी चाहिए और फ्रोजन नहीं होनी चाहिए। क्रीम हमेशा फ्रिज की ही होनी चाहिए। देखिए, मेरा क्रीम अच्छे से बीट हो चुका है, एकदम स्टिफ बीट हो चुका है ये। अब इसमें हमने ये कस्टर्ड मिलाना है, जो हमने कस्टर्ड को फेंट के रखा था। इसको अब बीटर नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ स्पैचुला से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आपने बीटर इसमें लगाया तो ये कस्टर्ड डालने के बाद जब बीटर से आप बीट करोगे तो पूरा जो क्रीम है वो बैठ जाएगा, क्योंकि क्रीम में हमने बीट करके इतनी एयर डाली है, वो बैठ जाएगी, डेंस हो जाएगी।
अगर ये लम्स नहीं जाते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा आप बीटर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक इसको बीट ना करें। बस इतना सा ही बीटर लगाएं। अब बाकी का मैं कस्टर्ड इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें हमने लेमन जूस डालना है, नींबू का रस, डेढ़ टेबलस्पून नींबू का रस है, अब येलो कलर डाल रहे हैं, आप पाउडर कलर भी यूज कर सकते हैं। अब ये पाइनएप्पल के पीसेस डाल रही हूं मैं। चलिए अब इसका शुगर टेस्ट कर लेते हैं। अगर शुगर इस टाइम कम लगती है तो आप इसमें आइसिंग शुगर या पिसी चीनी डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है शुगर। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, या किसी ग्लास में ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक किसी डिश में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं इसको छोटे ग्लासेस में इसको सर्व कर रही हूँ। ये मैंने सारे ग्लासेस में डाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने एक थोड़ा सा व्हिप क्रीम से स्वर्ल करना है। थोड़ा सा पिस्ता डाल लेती हूँ मैं साइड्स में। अब इसके ऊपर हाफ चेरी लगा देती हूँ। ये हमारा पाइनएप्पल सूफले तैयार है। इसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक फ्रिज में सेट होने दें, उसके बाद ही अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को परोसें। हमारी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कविता कुकिंग।